हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में प्रदेश स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। ये प्रतियोगिता सुंदरनगर शहर के पुराने बाजार के पॉट ब्लॉक स्नूकर केंद्र में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुंदरनगर थाना प्रभारी गुरुवचन सिंह ने किया और विशेष अतिथि के रूप में स्थानीय व्यापारी बब्बू पंसारी ने शिरकत की। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 60 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखकर खेल में भाग लेना है। प्रतियोगिता के विजेताओं खिलाड़ियों को 21,000, उपविजेताओं को 11,000 जबकि सबसे ज्यादा ब्रेक वाले खिलाड़ी को 3,000 रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाएगी। थाना प्रभारी सुंदरनगर गुरुवचन सिंह ने अपने संबोधन में आयोजन समिति को बधाई दी और कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, लेकिन ये खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में एक अच्छा प्रयास है, जिससे युवा पीढ़ी और बच्चे नशे से दूर रहकर खेलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जहां पर स्पोर्ट्स का कल्चर बन रहा है, वहां सभी वर्गों के लोग मदद करें। इस मौके पर आयोजक मोहित बंसल, अमन फिट ऑफ फायर के निदेशक अमित भाटिया व एचपीसीए के कोच दिव्य प्रकाश सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय स्नूकर का कंपटीशन यहां सुंदरनगर में शुरू किया, मैं इनके लिए बधाई देता हूं, जो कि अपनी किस्म का यह पहला कंपटीशन है जो कि सुंदरनगर में और इसकी टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं इनको एक और बधाई देना चाहता हूं कि आज के समावेश में समाज में जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो यह भी एक नशे से दूर करने के लिए एक अपनी किस्म का एक अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, ताकि वो उनका मन किसी अन्य कुरीति की तरफ ना जाए और कंपटीशन की भावना बनाए रखें। ऐसी गेमें जिनमें बच्चे का अपना सेल्फ डिसीजन, अच्छा बुरे की पहचान, नशे से दूर रहने के लिए नशे के कुप्रभाव, इन सारी चीजों के लिए जो स्पोर्ट्स का कल्चर जहां बना रहेगा, बहुत मदद मिलेगी, ताकि हम अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो आने वाले समय में हमारे समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करे। तो मैं जो मोहित वॉइस की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।